आप जो ये चीज देख रहे हैं इसकी कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसके केवल एक ग्राम की कीमत 90 ट्रिलियन डॉलर है। अगर इसे भारतीय रुपयों में कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 73 लाख अरब रुपयों के बराबर होगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये ऐसी कौन सी चीज है जो इतना ज्यादा महंगा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आज हम जानेंगे इस पदार्थ के बारे में कि ये इतना ज्यादा एक्सपेंसिव क्यों है, इसका काम क्या है और यह कहाँ मिलता है। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को ऑल पर जरूर कर ले ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाए। अभी तक आप सभी को लगता होगा कि इस पूरे दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ सोने, चांदी, हीरे, मोती या फिर प्लेटिनम ही लगता होगा, लेकिन यह बिल्कुल भी सच नहीं है। ये सारे चीजें महंगे तो हैं, लेकिन ये जो चीज है उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है। इसके सिर्फ एक ग्राम को खरीदने के लिए दुनिया के छोटे छोटे लगभग 100 देशों को बेचना पड़ेगा, तब जाके इस पदार्थ को कोई खरीद पाएगा। ये जो मेटेरियल है वो आपको किसी दुकान या किसी जोहड़े के पास नहीं मिलेगा। यह सोने चांदी की तरह नीचे यानी धरती के अंदर नहीं मिलता है, बल्कि यह पदार्थ ऊपर अंतरिक्ष में मिलता है। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जो मेटेरियल है वह धरती का सबसे महंगा पदार्थ है। इस मेटेरियल को एंटीमेटर कहा जाता है। जिस तरह धरती पर मौजूद पदार्थों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसी प्रकार एंटीमेटर में एंटी प्रोटीन, पॉजिट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन होते हैं। यह जो पदार्थ है वह सामान्य धातु नहीं है, बल्कि सबसे अलग व सबसे दुर्लभ मटेरियल है। अब कोई इसे इतने महंगे दामों में क्यों ही खरीदेगा? तो आपको बता दें कि एंटीमीटर का इस्तेमाल अंतरिक्ष से जुड़े कामों में किया जाता है और दूसरे ग्रह पर जाने वाले विमानों में ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब ये पदार्थ बनता कैसे है? तो आपको बता दें कि वैज्ञानिकों का कहना है कि जब ब्लैक होल की वजह से दो तारे टूटते हैं तब जाके एंटीमीटर उत्पन्न होता है। इसमें असीमित मात्रा में ऊर्जा होती है, जिसे देखकर साइंटिस्टों ने इसे धरती पर बनाने की कोशिश की और सबसे पहले इसे सर्न के लैब में तैयार किया गया। अभी तक एंटीमीटर को धरती पर केवल 10 नैनोग्राम ही बनाया जा चुका है। एंटीमीटर को सिर्फ 1 ग्राम बनाने के लिए 25 मिलियन बिलियन किलोवाट प्रति घंटे बिजली की जरूरत होती है, इसलिए इसे बना पाना बेहद ही मुश्किल होती है। अगर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।